अरे वाह बीवा, शेजर ने नहा लिया, रेडी हो गए? टकले लग रहे हो? नहीं बेटा, टकले टकले पता किसको बोलते हैं, जिसकी गंज होती है, ठोड़ होती है। आपके तो बाल है माशाल्लाह से। इधर आओ, तैयारी दिखाए। अच्छा तैयार, अच्छा तैयार हो गया ट्यूशन के लिए? सीधे खड़े हो, सीधे बहुत चीज भी लेनी है बस। इसको ट्यूशन का ये होता है कि ना, ट्यूशन से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये खुश होकर जाता है। बस इसको ये होता है कि चीज़ लेने जाऊंगा तो मैं ना ट्यूशन जाऊंगा तो मैं चीज़ लूंगा। खड़े हो ना, मैं आपको देखूं, आपको देखूं, मैं दिखाऊं, इतना पाला मतलब बेबी लग रहा है। इधर खड़े हो जाओ, सीधे 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 हाय करो, सलाम सलाम, हाँ अस्सलाम वालेकुम कहते होते। उसकी तो चप्पल भी मैचिंग में आ गई, ऑरेंज ऑरेंज। वाह भाई वाह, उसकी चप्पल मैचिंग में और उसके कपड़े भी। रेडी हो गए हो? होमवर्क कर लिया आपने? पता नहीं क्या करते रहते हो। काम कर लिया आपने? क्या मैं होमवर्क कर लिया है टीचर, ट्यूशन का काम कर लिया? शाबाश, चलो आप अंदर एसी वाले रूम में नहीं जाना, ठीक है, साइड में होके बैठना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी से यूट्यूब की फैमिली? अल्लाह से उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खैरियत से हैं। तो जी बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्कूल से वापस आ गई हुई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है स्कूल से वापस आई को। और मैंने अब अशीष को भी रेडी कर दिया ट्यूशन के लिए, उसका भी बस टाइम होने ही वाला है। तो और हुरैन थोड़ी देर में आने वाली होगी। बस यही होता है स्कूल से आने के बाद, एक बच्चा जाता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, इसलिए फिर मेरे पास कोई टाइम भी नहीं बचता कि मैं कहीं किसी के घर जाऊं, कोई बाज़ार जाऊं, थोड़े काम है बाज़ार के भी, या अपनी दर्जन के घर जाऊं। तो अब मैंने अनसब से रिक्वेस्ट की है, ओनू जी मैं फुलियाँ पाइयाँ आके, थोड़ा जहाँ मीठे मीठा फुलियाँ पा के। अच्छा अनसब को मैंने कहा है, मैंने ना कल भी देखा, कल नहीं खैर, कल तो छुट्टी थी हमारे यहाँ शाह लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ बिठाई की सूफी है बुज़ुर्ग, उनके मेले की उसकी, तो कल तो स्कूल नहीं गए थे। तो पहले दो दिन पहले मैंने देखा था रास्ते में, जब मैं स्कूल से आ रही थी ना, तो उधर हमारे एक दुआ चौक है, वहाँ पे ना एक स्टॉल लगा हुआ था, स्टॉल ही कह ले, स्टॉल या शॉप बनी हुई थी, तो बड़ा प्यारा प्यारा सामान रखा हुआ था। तो मैंने कहा था कि अनसब से कहूँगी, लेकिन मैं भूल गई। आज फिर आई हूँ तो मुझे वही नज़र आया, बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, आपको मैं जाके दिखाती हूँ। तो मैंने अनसब को कहा है, अनसब रेडी शुक्र हो गया है, मान गया है, अब देखे आशीष को भेज दूँ, फिर हुरैन आ जाएगी तो फिर देखती हूँ उसको घर छोड़ के, तो मैं जाती हूँ तो अनसब के साथ। तो बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, डेकोरेशन की, मिट्टी की चीज़ें, ऐसे बर्तन हैं, वो ना पंजाब से ट्रक आता है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती, कभी कभी ट्रक आता है पंजाब से, मुल्तान से, तो फिर यहाँ पे एक जगह पे चौक में वो लोग रख लेते हैं, तो फिर लोग जाते हैं। तो मैंने देखा, बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत चीज़ें भी थी, मैं जाके आपको दिखाऊंगी, देखती हूँ वहाँ से कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। और फिर घर का आज देखते हैं, सालों तो बना हुआ है, कुछ मीठे का दिल कर रहा है कि कुछ क्विक वाला, जल्दी वाला, कुछ झटपट वाला मीठा बना लूँ, अगर उसके इंग्रेडिएंट्स घर हुए तो, वरना लेके आने में तो देर लग जाएगी। तो चलें जी, अब टाइम हो गया है, अन सबसे कहती हूँ कि आशीष को ट्यूशन पर छोड़ के आए, फिर दोबारा आपसे मुलाकात करती हूँ। एक पार्सल आया हुआ था काफ़ी दिनों का, मैंने कहा कि मैं अपनी फैमिली के सामने इसको खोलूं, और ये है जेंट्स का स्टॉक मेरे पास, काफ़ी कस्टमर मांग रहे थे, लेकिन मैं उनको कह रही थी कि अभी मैंने खोला नहीं है, खोला नहीं है, मैं कह रही थी कि बस टाइम ही नहीं मिल रहा था कि खोलूं तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। वही मेराकी ब्रांड है जो मेरे पास मशहूर है, हिट है, उसके कोड्स हैं, वाशन वेयर है मेराकी की, ये शायद ज़्यादा सेट हैं। तो मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं मेरे सिटी के या आसपास के, उनको तो पता है, तो जो जो देखे तो जिनको चाहिए वो जल्दी से रब्ता कर लें। मेराकी मेरे पास लेडीज़ में भी आती है, जेंट्स में भी आती है, लेकिन जिसमें आती है कमाल आती है। इसका इंडिया कार्ड नहीं है। अच्छा चुप करो, ओके ओके। अच्छा ये थोड़ा बोस्की कलर है, ये ऑफ वाइट कलर है। अंसर शाबाश, ये डबल सेट है, डबल डबल भी हैं, ये वाइट दो है ना, शुक्र है वाइट दो हैं। ये वाइट सूट तो मैंने ये ना रख लेने हैं फवाज के लिए, फवाज ने पहले कहा नहीं, मैं बड़ा कह रही थी तो कह रहा था मम्मा मेरे पास वाइट सूट हैं 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 हैं, अब वहाँ पे गया है, चुप करो शस, अब वहाँ पे गया है, तो संडे को बात हुई है तो मुझे कह रहा था मम्मा अब मैं दिसंबर में आऊँगा तो मैं दो वाइट सूट सिलवाऊंगा, क्योंकि मेरे जो है ना एक सूट के साथ की शलवार नहीं है और दो शलवारों के साथ कमीज़ें नहीं हैं,
देखे तीनों सूट खराब हुए हैं। ये बहुत केयरलेस बच्चा है, गौर नहीं करता। जब ये वॉशिंग में देता होगा ना, उधर लॉन्ड्री में वॉशिंग में, तो शायद उस वक्त हो गया होगा, या फिर ये ऐसा ही है, पता नहीं, कोई सवार नहीं है, इसने खुद कहीं इधर उधर कर दिए हैं, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या उधर लॉन्ड्री से कुछ मसला हुआ होगा, लॉन्ड्री से मसला हुआ होगा। तो चलो कोई बात नहीं, अब शुक्र है इसमें दो सूट निकल आए हैं। तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे दो सूट जो है ना लेके दीजिएगा, जैसे काफ़ी कलर इसमें दो दो भी हैं मैंने, क्योंकि मुझसे एक औरत लेके आगे सेल भी करती है, तो मैं उसको रीसेल भी करती हूँ। तो बहुत प्यारा कपड़ा है। अब मैं एक आपको ओपन करके दिखाऊँ, कौन सा कलर ओपन करके दिखाऊँ, मैं कैसे गोल्डन करके दिखाऊँ। अब अनसब आपने भी जाना है ना आप उधर अपने यूनिवर्सिटी, तो अगर सलवार की वजह सिलवानी है तो इस स्टॉक में से देख लेना, सही है, सिलवानी है ना। तो जो पहनो, पैंट शर्ट लेनी है तो पैंट शर्ट बताना, एक दो ले दूंगी, कुछ है काफ़ी सारी हैं भी, अगर सूट पर चाहेंगी हूँ तो सूट सिलवा दूंगी, दो सूट सिलवा लेना कोई, तो दो तीन पैंटें। ये बहुत प्यारा कपड़ा है, मिराकी कपड़ा है, सॉफ्ट शाइन वाला, बहुत सॉफ्ट है ये। अब नॉर्मल मौसम में पहना जाएगा, और गर्मी में भी तो है ही है, और सर्दी में जिस तरह की सर्दी हमारे पास है ना, ये तो विंटर में भी चलेगा, बहुत ज़बरदस्त है। जल्दी आएँ और जल्दी पाएँ। प्यालियाँ भी हैं, सब कप भी हैं, शेर आ जाओ देखते हैं। ये क्या चीज़ है ना, ये क्या चीज़ है, ये बच्चों को बिठाने के लिए है, करी बच्चों के बिठाने के लिए। ये वो बड़े वाला गुलदान वो तो खराब है ना, वो बड़े वाला तो खराब है, नहीं नहीं वो उसके अंदर तो शीशे लगे नहीं हुए है ना, फिर डिफेक्टेड है ना। कितने के, ये छोटे कितने के दे रहे हैं, 3000 की जोड़ी, अल्लाह। और वो चीज़ ये ऊपर वाली, आप कहाँ से आते हो, पंजाब से, कहाँ से, भावलपुर से, सरेकी हो। तो जी मुझे एक बात याद आई है, मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया है, मैंने ऑफ कर दिया था। मैंने अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को, जो मेरी फैमिली है, एक मेरी ये फैमिली है, एक मेरी आप लोग फैमिली हो, ठीक है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और बहुत एहतराम करती हूँ मैं आप लोगों का। आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात याद आई है, मैंने आप लोगों से करनी थी कि प्लीज़ मुझे और सपोर्ट करें। मेरा अब टाइम पीरियड जिस तरह मोनेटाइज होने को कुछ थोड़ा सा वॉच टाइम घंटे रह गए हैं, और एक साल के अंदर करना होता है, साल का अरसा पूरा होने वाला है। तो वैसे कुछ लोग तो कहते हैं कि लेट भी हो जाता है, लेकिन जो है ना, मैंने अपने स्पेशली दोबारा आई हूँ, अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, आगे से आगे शेयर करें, कि जो मेरे 200-300 घंटे रहते हैं वो आप मुझे एक हफ्ते में 10 दिन में मेरे पूरे करवाएं। और मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं बड़ी उम्मीद से आस लगा के अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें आगे से आगे, जहाँ तक अपने फैमिली फ्रेंड्स में सब में, और लाइक कमेंट भी कर दिया करें। तो एक हफ्ता है या 10 दिन है, इसके अंदर अंदर जो मेरा थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है पूरा करवाएं, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों से, अपने यूट्यूब की फैमिली से। बस जल्दी जल्दी गई हूँ भाग भाग के, ज़्यादा सामान उनका जो बिक गया था, वो कहने लगे हमें तो काफ़ी टाइम हो गया हमने स्टॉल लगाया हुआ यहाँ पे, मतलब शॉप बनाई हुई है, वो भावलपुर से आते हैं पंजाब से, तो कहते हैं कि काफ़ी सामान सेल हो गया। तो बस फिर मुझे एक ही चीज़ अच्छी लगी, वो मैं लेके आई हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, प्राइस भी बताती हूँ कैसी है ये प्रेम, अच्छा है, इसलिए लेके आई हूँ, कहाँ रखूँगी मैं अभी आपको बताती हूँ, है ना प्यारी। चलें जी अब इसको रखते हैं, मेरे जहन में जिस जो जगह थी हुरन पहचान गई हो, समझ आ गई है मैंने कहाँ रखनी है, तो मैं हाँ हुरन मैंने यहाँ रखनी है। ये हमने लिया था हाला से, याद है आपको कि नहीं, जब हमने पहली गाड़ी थी ली मेहरान, काफ़ी साल हो गए हैं,
छः सात साल हो गए मेरे ख्याल में, याद है कि नहीं, ऐसे सर को हिला रही हूँ। वहाँ से हाला से लोग आ रहे थे तो हमारे साहब को, मेरे आंटी डिग्री कितनी छोटी सी होती है, तो बस ये हमने लिया। तो अब इसके ऊपर वैसे ये भी था लेकिन जगह नहीं थी, तो अब मैंने इसके ऊपर ये दिया हुआ, क्योंकि अशीष इसको बनाता है डस्टबिन, अशीष सब बिस्किट खाए टॉफी खाए इसमें कचरा डालता रहता है। इसकी जगह मैंने बदली है, पहले बाहर था अब यहाँ रखी, मैंने इसके अंदर ये रख दी हुई है, तो भी मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी, अब मैं जी इसके लिए ये लेके आई हूँ। अब मुझे बताएं आप लोग कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, सब बताएं, अच्छा लग रहा है ना कि नहीं। ये वैसे इसके ऊपर उस वक्त भी थी लेकिन जगह नहीं थी, तो फिलहाल मैंने एक ही लिया, तो फिर मैंने देखा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ मुझे नजर आई तो मैंने कहा इसके लिए ले लेती हूँ, बहुत प्यारा लग रहा है ना, जबरदस्त लग रहा है ना। फ्रेन ये बेटा कपड़े मैं वापस आई हूँ, अपने उठाए नहीं है, ये उठाओ, ये फास के लिए रखे हैं, वाइट सूट अपन सब, ओ अन सब कान में टूटका लगा ली है, कितना रंग तुम्हारा काला आ रहा है, कल को कपड़े सीने को देने जाना, ठीक है, ये उस उधर अलमारी में रखो फ्रेन, रखो 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 फटाफट, बच्चे दाम मारते हैं कसम से, वो अलमारी खोल के चली गई, यहाँ पे रखो, जगह है कि नहीं है अलमारी का, बाबा हमारी फुल है, कपड़े हमारे पहनने को है नहीं, है ना, और कपड़े हमें मिलते नहीं हैं माँ बेटी को दोनों को, और अलमारी में फुल हैं, जगह भी नहीं होती। चलो उसको भी ठीक करो, वहाँ कपड़े इस्त्री आज किए थे ना, वो रखे हैं तो इसलिए ज़्यादा हो गए। पुराने बेटा मुझे पानी का एक गिलास तो पिलाओ, कसम से बाहर थोड़ा सा ही निकलो घर से, पंखे से हटो तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी प्यास, मुझे पानी का गिलास पिलाओ, शाबाश मेरा बेटा, जाओ फुल भर के। अब मुझे दिखाती तो सही कैसी पकाई है, स्कूल से आई है तो मैंने इसे कहा कि मैं रोटी बना दूँ, इसने कहा नहीं मम्मा नहीं, ठीक है अब शाम के टाइम करें, मुझे भूख लगी है, तो अब खुद पकाने बैठ गई, मैंने कहा जाओ पकाओ ऐसे ही काम का कभी कभी किया करो, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं आती ना किसी बनाई टिक्की बड़ी छोटी रोटी का पराठा, रोटी मोटी थी पतली थी कैसी बनाई थी, और दिखाती तो सही बेटा मुझे, मैं देखती तो सही, रैन ने कैसी रोटी बनाई है, चलो इसने खा ली, अब मैं दूध गर्म करूं, वो जोहा आई है, वो मोबाइल से उसने कुछ सर्च करना है, कुछ काम शाम है उसका, तो उसको कर दो, ये आटे आटा किया पड़ा इसने इधर, दूध हमारा आता है गांव से, तो ये अब बोतल में आता है इसलिए, क्योंकि इस तरह लेके आना आसान है, अब जी मुझसे एक हाथ से तो ये खुलेगा नहीं, अब मैं इसको खोलूँ, और खोल के जब तक आप मेरे ये फूल देखें कैसे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ना, और बड़े कलरफुल है, चीनी पत्ते के भी डब्बे, तो अब इनको मैं दूध को मैं इसमें डालती हूँ पतीली में, और दूध गर्म करूँ, काफ़ी देर हो गई है, शाम हो गई है, सालन बना हुआ है, बस रोटी बनानी है बना लूँगी, तो गैस भी अब आगी होगी, तकरीबन हमारे गैस शायद 5:30 बजे तक आती है मुझे लगता है, तो आगी होगी गैस, अब गर्म करती हूँ, चाय का बड़ा दिल कर रहा था लेकिन चाय बनाई नहीं, बस मैं चलेगी इन सब के साथ उधर, वो जो बाहर एक स्टॉल सा लगा हुआ है उनके पास चली गई, तो इसलिए अब चूल्हा हमने ठीक करवा लिया है, आग जली नहीं रही भाई, क्या मसला हो गया तेरी, ऐसी की तैसी, हाथ मेरा उल्टा था ना इसलिए, अब मैं सही से करवाती हूँ, स्मेल आना शुरू हो गई है, लगी ना गैस जमा हो गया, पता नहीं क्यों शायद इसमें ख़त्म हो गया है इसका जो होता है ना अंदर, ये ढक्कन गिर गया, ठाऊँ अब इसके ऊपर जाली दूँ दूध को गर्म करूँ, बड़ी मुश्किल से आग जली है, फिर मैंने दूसरे स्टोव पे रखा है, तो मेरे अब ना मैं देखूँ भला, मेरे बस आज दिल कर रहा था मीठा बनाने को, एक मीठा है वो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने बनाया था, मेरी भांजी ने बनाती थी तो उसकी रेसिपी है तो बड़ा अच्छा बनता है, तो ना अब मेरा दिल था कि मैं बनाऊं, मेरी बिस्किट से बनता है, तो मैं देखूं भला पैकेट था, बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं, बच्चे सब कर देते हैं ख़त्म, तो मैं देखूं है भी कि नहीं है इसमें बिस्किट, वैसे हैं तो सही, मैं बस सुबह के टाइम ना मेरी बिस्किट थोड़े इसमें चीनी नहीं होती ना, कम होती है, तो मुझे ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दूसरों बाकी जो भी बिस्किट ले लें बहुत मीठे होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, ये मुझे अच्छे लगते हैं, तो वैसे बन जाएगा या कम ना हो तो सब कुछ, सुस्ती भी हो गई है, देर भी हो गई है, लाइट भी हमारे चली गई है, तो अब इतनी रोशनी नहीं है, तो रोशनी में फिर कम लाइट में वीडियो भी अच्छी सी नहीं बननी, तो मैं कहती हूँ कि अब मैं कल ही ये वाला मीठा बना लूँ,
तो अभी तो सब कल गया था पैसे, वैसे बिस्किट लेने थोड़े, तो वहाँ से डब्बा मिल गया, डब्बा ले आया। अभी दुकान वाले के जो हमारे नेबर में है ना, उसके पैसे भी दे रहे हैं, सबको कहते हैं पैसे दे के आए। शुक्र है कि बिस्किट हैं, कुछ और भी मंगवा लेती हूँ। अब देखती हूँ, देर हो गई है और सुस्ती भी थोड़ी सी हो रही है और रात भी काफ़ी हो गई है, अंधेरे में वीडियो सही बनेगी नहीं। तो कल मेरा इरादा है कि मैं कल बनाऊँ, ठीक है ना। कल मीठा आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब फिलहाल तो दूध गर्म करते हैं और कुछ देखती हूँ किचन में कुछ खाने को है, खाऊं, भूख सी लग रही है। बिस्किट ही खा लेती हूँ, ठीक है। लेकिन बिस्किट लेके वे खाती हूँ, मुझे मेरी बिस्किट बहुत पसंद है।